So that we can proceed. सर अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा दिए? डिमांड एंड सप्लाई और चैप्टर वन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक सिस्टम्स। आवाज क्लियर है आप लोगों को मेरी? यस सर। आज हमारा टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। A situation in which एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज सर ये टाइपिंग वर्ड पे नहीं हो सकता? इस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं, बड़ा स्लो होता है वो, जाता बहुत स्लो होता है। मैंने को बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता, बहुत ज्यादा समझाना होता है, डायग्राम ज्यादा ड्रॉ करनी होती है, तो राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी राइटिंग है। एमएस ऑफिस पे तो बहुत टाइम लगता है। पहले मैं उसी पे करता, लास्ट अटेम्प्ट में उसी पे की थी, तो वहां स्टूडेंट कहते थे स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। चलो थोड़ा टाइम देना, शॉर्ट सी 1 घंटे की क्लास है, 1 आवर की क्लास है, उसमें कोशिश करें साथ चलें। सर कल और हमने आपको क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई वाला याद है, कल डिस्कस किया था हमने। सर आप थोड़ा रिव्यू करा दें। देखें, एक काम करेंगे, किसी एक दिन पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपके क्वेश्चन क्यूरीज को ही डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं आपको फर्स्ट 5 मिनट्स दे रहा हूं आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज के लिए। अब जो जो जिस जिसने पूछना है, कमेंट करना है, अभी कर ले, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं क्वेश्चन कीजिएगा इस तरह के। ओके, अब मैं आपके 5 to 10 मिनट्स सिर्फ क्वेश्चन कर लूंगा आप लोगों के। आप मुझे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, जो जो पूछना है किसी ने। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इकोनॉमिक्स का पेपर रिटर्न होगा या कंप्यूटर बेस्ड, ये सारा सीवी होता है और एमसीक्यूज बेस्ड होता है, आपको पता ही होगा। और सर थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स की डायग्राम्स के बारे में बताएंगे कि पेपर्स में डायग्राम्स का क्या रोल होता है? जी, डायग्राम देकर वो कोई नीचे एमसीक्यूज पूछ सकता है, ऊपर डायग्राम ड्रॉ हुई होगी और डायग्राम से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज पूछ सकता है वो आपसे। रिजा पूछ रही है, अस्सलाम वालेकुम सर, कल का लेक्चर थोड़ा शॉर्टली बता दें। देखिए, मुझे इतराज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते कि हम लोग रिपीट करें या रिवीजन्स पे जाएं, क्योंकि सिलेबस इस कदर ज्यादा है आपका कि वो फिर कवर ही नहीं होता। जी, और कुछ क्या पूछ रहे हैं? कोई और सर कोई एग्जाम्पल दें। चलिए, अभी टॉपिक करेंगे ना आपका आज का टॉपिक, उसमें मैं एमसीक्यूज भी करवा दूंगा साथ उसके, प्रैक्टिस एग्जांपल के तौर पे। ओके, नहीं अभी मूव ऑन नहीं, रहीमुल्ला साहब अब मूव ऑन तो नहीं होगा, अब तो सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे पहले। स्वीनर है ये, पिफा डिसाइड करेगा, मेरे में नहीं। सर
ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछे, मुझसे सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पूछे। Now I am giving you time for your questions and queries. Okay, done. No more question. Okay, we should proceed. आपको याद होगा कल के लेक्चर में डिमांड एंड सप्लाई किया था हमने, बताइए। ये कल किया था हमने, तमाम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। राइज एंड फॉल भी किया था, राइज एंड फॉल भी किया था। इन दोनों को मिलाकर आज का हमारा टॉपिक होगा व्हेन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आर इक्वल। और देखें अब चेक करें, डिमांड एंड सप्लाई कहीं ना कहीं तो इक्वल हो रही है ना जाकर। तो जहां इक्वल है दोनों, जब आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, कहीं ना कहीं तो मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा फिर। अच्छा जनाब, अब आप लोगों ने तवज्जो से बात सुन के मुझे रिप्लाई करना है जरा। अगर मार्केट की प्राइस हाई हो, फॉर एग्जाम्पल यहां तो
इक्विलिब्रियम है ना आपका, अगर प्राइस 30 हो, 30 प्राइस किसको सूट करती है जी, बायर को या सेलर को? वो सेलर को सूट करेगी, तो वो सप्लाई ज्यादा रखेगा, और किसको हर्ट करेगी, अनॉयड किस करेगी, बायर को। तो डिमांड कम होगी। अब बताइए, जब सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सरप्लस या शॉर्टेज? सर ऐसा नहीं हो सकता कि सप्लाई भी ज्यादा हो और उसकी डिमांड भी ज्यादा। नहीं, आप देख लॉजिकली बात करें ना पहले, तो ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, लॉजिकली क्या है कि हाई प्राइस है, हाई प्राइस के ऊपर कौन इनवाइड होगा, कौन डिस्करेज होगा, बायर, कौन इनकरेज होगा, सेलर, दोनों तो नहीं इंक्रीज हो सकते ना। ओके और अगर प्राइस 20 की बजाय 10 हो जाए फिर क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम, कौन इनकरेज और कौन डिस्करेज होगा? सप्लाई डिमांड इंक्रीज होगी और बायर डिस्करेज होगा। बायर इंक्रीज हो जाएगा, सेलर डिस्करेज होगा। इसको क्या कहेंगे, सरप्लस या शॉर्टेज, बताइए। मतलब ये हुआ ये शॉर्टेज होगी। किसी ने पूछा डायग्राम का क्या रोल होता है, किसी ने पूछा डायग्राम का एग्जाम में क्या रोल है, अब बताएं। जी अब एमसीक्यूज यू बनेगा, एट प्राइस रुपीज 10 पर यूनिट विच स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू, ए
जी, विच ऑप्शन इज बी करेक्ट? ऑप्शन सी, ये वो किस किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्वेश्चन कैसे आएगा और क्या होगा। क्लियर होगी बात? डायग्राम में इस तरह की डायग्राम ड्रॉ हुई हो और वो आपसे पूछते कि इस प्राइस पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो क्लियर हो गया पॉइंट? हेलो भाई, पॉइंट समझ आ गया सबको? Rise and fall in demand and change in equilibrium price and equilibrium quantity. Rise and fall in demand and change in equilibrium price and equilibrium quantity. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है अगर वॉर से सुने प्लीज सर। मार्केट फॉर रूम कूलर्स मार्केट क्या है? रूम कूलर की। तो कॉन्सेप्ट आपने बताना मुझे। ड्यू टू फॉल पाकिस्तान बिफोर बिफोर टाइम ड्यू टू स्नो फॉल इन पाकिस्तान बिफोर टाइम इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी इन मार्केट्स, बताइए बताएं। अगर वक्त से पहले स्नोफॉल शुरू हो जाए क्या होगा पाकिस्तान में? रूम कूलर्स की भाई बताइए ना, रूम कूलर की मार्केट में कोई इंपैक्ट आएगा? क्या आएगा? डिमांड चेंज होगी या सप्लाई चेंज सर, होगी? रूम कूलर्स को सर गर्मी के साथ जोड़े ना, क्या करें?
जी बताइए, डिमांड चे डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा सप्लाई पे, डिमांड पे बताइए, सर डिमांड राइजिंग कम होगी ना डिमांड कुछ? होगा, डिमांड होगा फॉल इन डिमांड होगा, राइजिंग डिमांड होगा या फॉल इन डिमांड? फॉल इन डिमांड होगा सर। फॉल इन डिमांड होगा, तो बैकवर्ड आएगा डिमांड को, कल का टॉपिक याद होना चाहिए आपको। डिमांड फॉल होगी तो इनवर्ड आएगा, बोलिए ये नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम से क्या होगा? प्राइस कम होगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इस पे गौर करें और एग्जाम सुन लें प्लीज। जी बताइए क्या इंपैक्ट आएगा? फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर ये पॉइंट समझ आ गया सबको? और इस समय
मार्केट फॉर बीफ, ड्यू टू इंक्रीज इन लेदर पीपल स्टार्ट कटिंग मोर काउ. What will be the impact on the beef market? में क्या इंपैक्ट आएगा? डिमांड साइड पे आएगा, सप्लाई साइड पे आएगा? जी बताइए. यस एग्जैक्टली. सप्लाई ऑफ बीफ विल इंक्रीज, राइज इन सप्लाई, अच्छा इसका इंपैक्ट क्या होगा मार्केट में, प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा बीफ की? और उसका बायर पे क्या इंपैक्ट आएगा? डिमांड इंक्रीज कर जाएगी. बताएंगे समझ ही बात. सप्लाई डिक्रीज है? नहीं नहीं, सप्लाई इंक्रीज हो गई बीफ की और बीफ की प्राइस फॉल कर गई और लोगों ने ज्यादा बाय करना शुरू कर दिया. दैट्स इट. रिजल्ट क्या है? प्राइस डिक्रीज यहां तक समझिए बात. राइस, गवर्नमेंट हैज इंपोज्ड पी और क्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा राइस में, राइस की मार्केट में? पी एंड क्यू फॉर राइस क्या इंपैक्ट होगा? सर प्राइस इंक्रीज होगी और क्वांटिटी कम होगी. प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी
वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि लोग कम प्रोडक्शन करेंगे, इस साल प्रोडक्शन कम करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस शूट करेगी। बोले ये जी राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई का इंपैक्ट। इन्हीं अंडर कॉन्सेप्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे बफर स्टॉक, रेगुलेटेड प्राइसेस। असल याद रखें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्राइसेस होती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्राइसेस होती हैं वो बड़ी फ्लक्चुएट होती हैं। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइसेस स्टेबल हो। मेरा बात सुनेगा और से ये म्यूट कर लेंगी अपनी साइड में। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। गवर्नमेंट चाहती है प्राइसेस स्टेबल हो तो फिर क्या करती है? प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। याद रखें गवर्नमेंट भी क्या करती है? प्राइस को कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पे ये प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम है। राइट हंड्रेड रुपीज पर केजी प्राइस है जी। गवर्नमेंट कहती कि नहीं जी हमने प्राइस जो है वो कम अज कम भी राइस की सपोर्ट प्राइस हमने ₹120 रखनी है मिनिमम। गवर्नमेंट कहती है हमने कम से कम प्राइस क्या रखनी है 120। क्योंकि देखें आपने अक्सर सुना होगा उसमें गंदम में या चावल में या शुगर केन में अक्सर सुना होगा आप लोगों ने
गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है। क्यों जी, सुना आप लोगों ने, गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइसेस देती है। वो सूट नहीं करी उसकी 100, फार्मर कहते हैं ना 100 पीस, तो नहीं नहीं इसका नहीं, इसका नहीं, फार्मर कहता जनाब 100 पीस तो प्राइस होती है, हम तो 100 पीस पे सेल नहीं कर सकते सॉरी। गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपको सपोर्ट प्राइस देते हैं 120 की। अब आप मुझे बताएं ये जो हाई प्राइस है किसको सूट करेगी, प्रोड्यूसर को या बायर को? जो है ये किसको सपोर्ट करेगी, प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। लेकिन बाहर के जना मैं तो नहीं भी बाय कर सकता इससे ज्यादा, ठीक है। आप प्रोडक्शन 200 हो चुकी है, परचेज नहीं कर सकते, मार्केट में 100 की मार्केट थी, आपने प्राइस इंक्रीज की तो देखें प्रोडक्शन कितनी ज्यादा हो गई। बायर कहता मैं तो इससे ज्यादा बाइंग नहीं करूंगा, सेलर कहता जी मैं ज्यादा सप्लाई कर सकता हूं, प्राइस अच्छी है, अच्छी प्राइस पे वो तो सेल करने को तैयार है। बोले सर ये पॉइंट समझाना चाहिए आप लोगों को, तो वो कहता मैं तो सप्लाई करने को तैयार हूं, बायर कहता मैं कॉटन इतनी महंगी बाय करूंगा टेक्सटाइल में, मुझे बाद में फैब्रिक बेचने में बहुत दिक्कत पेश आएगी, इतना कॉस्ट बढ़ जाएगी, सॉरी मैं नहीं कर सकता हूं। तो फिर ये क्या होगा, सरप्लस होगी या शॉर्टेज होगी? ये सरप्लस होगा, तो सरप्लस अगर एडजस्ट ना किया गया तो सरप्लस से क्या होता है, मार्केट में प्राइसेस पे क्या प्रेशर आता है, प्राइस शूट करती है फॉल करती है, फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो फिर अपनी प्राइस को यहां स्टेबल करना चाह रही है ना, गवर्नमेंट तो प्राइस को 120 पे स्टेबल करना चाह रही है। हेलो, गवर्नमेंट प्राइस को 120 पे स्टेबल करना चाहती है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेगी। गवर्नमेंट क्या करेंगी, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ आता है इससे, अगर किसी ने सीक्वेंस के साथ बात को सुना हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकता है। तो सर या तो फिर गवर्नमेंट बाय कर ले सरप्लस को, अगर नहीं करेगी
उसका नुकसान क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस वापस फॉल कर जाएंगे, तो गवर्नमेंट तो अपना टारगेट मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस स्कीम को हम कहते हैं बफरिंग। ओके इसको क्या कहते हैं बफरिंग। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट सरप्लस परचेज करेगी क्योंकि आगे जब क्रॉप की मार्केट में शॉर्टेज होगी, आगे जाके गवर्नमेंट जब मार्केट में शॉर्टेज आएगी तो गवर्नमेंट इसी स्टॉक को फिर सप्लाई करेगी। असल में गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट का जो जी जी बिल्कुल हाई प्राइस पे परचेज करेगी फैजान। असल में जो पॉइंट मिस करते हैं ना आप लोग इस कॉन्सेप्ट में पढ़ते वक्त, दैट एक्चुअली क्रिएट कंफ्यूजन, वो ये है कि गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट लॉस नहीं होता, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल के साथ साथ मार्केट को रेगुलेट करना, ये असल काम है गवर्नमेंट का। वरना तो इस साल नुकसान होगा फार्मर को, नेक्स्ट टाइम फार्मर कॉटन प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब वो कॉटन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो टेक्सटाइल को फिर कॉटन नहीं मिलेगी, तो यही काम शुगर केन में होगा, यही काम ऑयल सीड्स में होगा, यही काम हर जगह पे होगा। फिर मार्केट में शॉर्टेज आएगी, रफड़ पड़ेगा, किसान सड़कों पे आएंगे, शुगर मिल्स वाले आएंगे, फ्लोर मिल्स वाले आएंगे, राइस मिल्स वाले आएंगे, टेक्सटाइल मिल्स वाले आएंगे, सारे लोग रोड पे आएंगे, तो अल्टीमेट तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट टाइमली इंटरवीन क्यों नहीं करती, got it? बताइए तमाम पॉइंट्स, स्टूडेंट के पॉइंट समझ आए? मैं ख्याल है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बैंक भी शेयर हो गया है, तो मैं चाह रहा था कि हर रोज हम एक चैप्टर के साथ साथ कुछ थोड़े से how is possible we can solve MCQs. जी देखें मंसूर, ये जो डिबेट है ना जो हम लोग करते हैं सब्जेक्ट में, इसके बारे में मैं आपको अभी बता दूं क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा सेशन रिमेनिंग है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स को अप्लाई करने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि पाकिस्तान और इकोनॉमिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। वेयर देयर इज पाकिस्तान देयर इज नो इकोनॉमिक्स, वेयर देयर इज इकोनॉमिक्स देयर इज नो पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं होती, कब्जा माफिया होता है। नहीं मंसूर, ये पूरी दुनिया में जहां स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं, जहां गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है, जहां अकाउंटेबिलिटी है स्टेट की, जहां एक सिस्टम है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम मौजूद है, जहां एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेक और थ्रेट कोर्ट्स की शक्ल में, एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में, मेयर्स की शक्ल, व्हाटएवर जो भी, बट जहां सिस्टम मौजूद है
वहां तो ये सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त तरीके से अप्लाई होता है। हाँ जी, पाकिस्तान में थ्योरेटिकली बस पेपर के लिए पढ़ लें, पेपर के लिए पढ़ लें। मैंने कब कहा डेमोक्रेसी सिर्फ डेमोक्रेसी ही फैसिलिटेट करती है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पाकिस्तान ये तो पता नहीं क्या अजीब सा, अब देखिए ना अजीब आप लोग बात छेड़ते हैं ना फिर ये टॉपिक बात दूर से दूर निकल जाती है। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में एमपीए और एमएनए MPA और MNA ये सारे मिलके क्या सिलेक्ट करते हैं? बोलिए, CMs NPM। पहले बात तो सुनो, CMs और PM तो चुनते हैं कि नहीं चुनते भाई? और फिर उन्हीं में से ही फिर अपर हाउस होता है सेनेटर्स। बोले तो ये जो पीएम होता है ये किसी ना किसी तो पार्टी का होगा कि नहीं होगा? बोले अब जितनी स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी उतने ही प्राइम मिनिस्टर के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? जितनी स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी उतने ही आपके एमएनए ज्यादा होंगे। बोले इसका मतलब क्या है? अब देखिएगा जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, आप बड़ा एंजॉय करेंगे और आप कहेंगे वाकई क्या प्राइम मिनिस्टर पार्टी बनाता है, आई मीन मिस्टर एबीसी पार्टी बनाता है, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग करके टिकट्स देता है, ये लोग इसको पार्टी को फंड करते हैं। बोलिए, ये लोग पार्टी को फंड करते हैं। जितनी हैवी फंडिंग होगी उतने स्ट्रॉन्ग टिकट्स मिलेंगे। एमएनए फंडिंग करते हैं पार्टी को पहले मेंबर्स, उनमें से एमएनएस बनते हैं। जरा बात को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जरा मेंबर्स ने पार्टी को फंड किया, पार्टी स्ट्रांग हुई, पार्टी ने टिकट दिया, एमएनएस बन गए, एमएनएस ने रिवॉर्ड में प्राइम मिनिस्टर को वोट किया, वो पीएम बन गया, राइट? पूरी बात सुनिएगा, आप फिर रिजल्ट निकालेंगे आप सारे बच्चे। सुनो, गौर से सुनो सब। अब देखिए, अभी तक एमएनएस जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, फंड्स दिए तभी एमएनएस में, वोट कास्ट किया पीएम को फिर भी एमएनएस ने, फंड भी दिया वोट भी दिया
अभी तक सिर्फ एमएनएस ने इन्वेस्टमेंट की है, अब पीएम क्या करेगा इन रिवॉर्ड, इन्हें फंड्स देगा डेवलपमेंट के नाम पे। बोलिए। अब अगर ये पीएम ईमानदार हो जाए, बहुत शरीफ ईमानदार हो जाए, वो कहे सर बस बस एमएनए साहब ये फंड नहीं मिलने, ये फंड्स नहीं मिलने, तो एमएनए कहेंगे ओके फिर हम पार्टी बदल के नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं, नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। अपर हाउस के टाइम पे देखा जाएगा। अब क्या होगा, ये प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से बना है ये बार बार ब्लैकमेल होता रहेगा इनसे। बोलिए। होगा कि नहीं होगा ब्लैकमेल बार बार? इसका मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर ने जो फंड लिए थे पार्टी की शक्ति पार्टी के लिए, वही फंड गवर्नमेंट के टैक्सेस में से एमएनएस को वापस जाएंगे। और ये फिर घूमता रहेगा। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर का ठीक है यार, ये सिस्टम ही ऐसे क्या करे। अब बताइए ये सारा करने के बाद क्या इकोनॉमी इकोनॉमिक सप्लाई कर पाएगी? अब क्या कर रहे हैं, पहले एमएनएस पार्टी को फंड करते हैं, अब पार्टी उनको टिकट देती है। फिर एमएनए इनको पीएम को वोट कास्ट करते हैं, पार्टी पीएम बनाती है, रेमिन इनको वोट कास्ट करते हैं, वो उनको डेवलपमेंट फंड दे देता है। अब पॉइंट समझ आया? अब इसके बाद कोई ईमानदार इमरान खान साहब या कोई और पार्टी का हेड, कोई पॉलिटिकल पार्टी के जी नहीं, नहीं, नहीं। मैंने कह प्राइम मिनिस्टर कहे जी अब मैं ईमानदार हो गया हूँ, पीएम कहे जी मैं ईमानदार हो गया हूँ, आप सारे भी ईमानदार होते हैं। वो कहते सर वो जो पार्टी के लिए पहले फंड लिया था ना हमसे आपने, दो दो दस दस पांच पांच करोड़ रुपया, वो हमने सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर आकर बड़े बड़े सोफों के ऊपर बैठने के लिए पैसे नहीं दिए थे। अगर आपने ईमानदार होना तो आप हो जाए, हमें कहने की जरूरत नहीं है, अभी हमने अपने पिछले पैसे पूरे कर लें, फिर उसके बाद अगली मतलब दोबारा इलेक्शन आएंगे आपको फिर पैसे चाहिए होंगे, इसलिए सिस्टम है इसको चलने दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए आज के बाद कभी इकोनॉमिक्स के मेरे लेक्चर में, कभी आपने मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात नहीं करनी, कि यहां प्राइम मिनिस्टर एक डमी प्राइम मिनिस्टर होता है,
जो पहले फंडिंग करके टिकट करके ये आया होता है। तो ये एक सिस्टम है पूरा, सिस्टम है पूरा। अब ये पीएम चूंकि पार्टी के गिर्द घूमेगा, पार्टी मेंबर के गिर्द घूमेगी, मेंबर्स पीएम बनाएंगे और ये फिर एक गोरख धंधा चलता रहेगा। और ये हर पार्टी और हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है। ये एग्जैक्टली आप कभी सोचे तो सही, इन इस सबसे पहले आपको अपना इलेक्टोरल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है एमएनएस के साथ मिलके। एमएनएस कभी ऐसा सिस्टम बनने ही नहीं देंगे जो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा, और ये अगले 72 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे, अगले 72 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। अब आइए एमसीक्यूज पे, आइए बुक पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट, कल मैंने पढ़ाए थे आपको डिटरमिनेंट्स सप्लाई के। सप्लाई का कौन सा डिटरमिनेंट नहीं होता जी? प्राइस होता है यस, इनकम होता है नो, टेक्नोलॉजी यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म यस, बी नहीं होता जी। सर नहीं नहीं फर्म के ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर के साथ ही होते हैं, फर्म के ऑब्जेक्टिव भी प्रोड्यूसर के साथ होते हैं, इसलिए बी। ओके अच्छा टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करने हैं, लेकिन अभी ना करें, चैप्टर 2 क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी के भी है, नहीं कर लीजिएगा जी। चैप्टर 2 के एमसीक्यूज आपने करने हैं, 6-7 होंगे 8 है शायद, जितने भी हैं 7 से लेकर 14 7 है जी। 7 एमसीक्यूज आपने कल करने हैं, जो मैंने आज करवाए उसके मुताबिक हैं, जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड होंगे वो नहीं करने हैं, क्योंकि वो इलास्टिसिटी अभी हमने की नहीं। इलास्टिसिटी का इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।